नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएसवीवी टीवी और मैं हूं आपके साथ सिद्धि। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नवरात्रि हम आपके लिए लाए हैं नवरात्र संवाद सीधे श्रद्धे की कक्षा से, जिनका हमारे जीवन से सीधा सरोकार है, जिनमें है उद्धव और गोपियों का संवाद, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद, युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद और अष्टावक्र और जनक का संवाद। और संवाद गोपी और उद्धव का, जिसमें उद्धव को अपने ज्ञान का बहुत अहंकार था, वो कृष्ण प्रेम का रूप है। जब उद्धव मथुरा में थे तब कृष्ण ने उन्हें गोपियों को प्रेम के रूप को तोड़ने के लिए भेजा। तब उद्धव गोपियों से गए तो रथ और अहंकार में थे, लेकिन जब लौटे तो उनके रूप में प्रेम और भक्ति का भाव था। नमस्कार, मैं युक्ति। आज नवरात्र संवाद में हम बात करेंगे युधिष्ठिर यक्ष संवाद की। जब पांडव वनवास गए, यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे। चारों भाइयों के धराशाही होने के बाद सिर्फ युधिष्ठिर इतने सक्षम थे कि वो उन प्रश्नों के जवाब दे पाते। प्रश्न और उत्तर व्यक्तित्व को बताते हैं, उसकी पात्रता को बताते हैं। प्रश्न और उत्तर के संवाद से शुरू होता है ज्ञान का एक्सचेंज। जब शिष्य अपनी क्यूरियोसिटी के पीक पर होता है और गुरु अपनी नॉलेज के पीक पर, तो इस्टेब्लिश होता है कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आज हम बात करने वाले हैं अष्टावक्र और जनक के संवाद की। यह बात उस समय की है जब कौड ऋषि के पुत्र अष्टावक्र का जन्म होने वाला था। कौड ऋषि बहुत ही ज्ञानी थे और उनके गुरुकुल में ज्ञान की चर्चाएं अक्सर हुआ करती थी। एक दिन ऐसे ही ज्ञान की चर्चा चल रही थी तो यह सुनकर अपने माता के गर्व से अष्टावक्र बोल उठे कि पिताजी, आप सब ये जो बातें कर रहे हैं इसका कोई भी अभिप्राय नहीं, यह सारी बातें फिजूल की हैं एवं पुरानी हैं। इस पर गुस्सा होकर अष्टावक्र के पिता ने उन्हें श्राप दिया, तुम्हारा जो शरीर है वह 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिसके कारण उनका नाम अष्टावक्र था। जन्म से ही पहले अष्टावक्र के पास इतना ज्ञान था कि वह यह सब ज्ञान की बातें कर रहे थे। अष्टावक्र का जब जन्म हुआ तो उस वक्त राजा जनक राजपाट संभाल रहे थे। राजा जनक के राज्य में एक युवक था जिसका नाम था बंदी, जो कि सभी ज्ञानियों की परीक्षा लिया करता था। उस परीक्षा में जो भी फेल हो जाया करता था उसे बंदी समुद्र में डुबो दिया करता था। इसी प्रकार कोहड़ ऋषि भी एक दिन उनके पास पहुंचे और उन्हें समुद्र में डुबा दिया गया क्योंकि वह उनके प्रश्नों के जवाब नहीं दे पाए। इस पर गुस्सा होकर अष्टावक्र जनक की सभा में पहुंचे, जहां उनके शरीर को देखकर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, जिस पर वह गुस्सा होकर वापस जाने लगे और बोले कि जनक, ये तुम्हारे ज्ञानियों की सभा नहीं है, यह तो चमारों की सभा है जो कि केवल चमड़ी देखती है। जिस पर जनक बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक अष्टावक्र से बात की उनके ज्ञान के बारे में। जब हमारे अंदर ज्ञान होता है तब हमारे मन में प्रश्न उठते हैं और उन प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे अंदर जो प्यास होती है वही हमें अपने जवाब तक ले जाती है। तो इस एपिसोड में हमने बात की उन संवादों की जिनका हमारे जीवन से सीधा संबंध है, और अगर उन पर चिंतन किया जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। इसी श्रृंखला में हम बात करेंगे आने वाले दिनों में गीता के 8वें अध्याय के अक्षर ब्रह्म योग की, जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे अर्जुन की जिज्ञासाओं को और श्री कृष्ण के समाधान को, और कल हम जानेंगे कि ब्रह्म क्या है। तब तक के लिए आप देखते रहिए DSVV TV नवरात्र संवाद। धन्यवाद।